पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी 7 अक्टूबर को एम्स ऋषिकेश आने वाले हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में 162 पीएसी ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे। 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के चलते एम्स में ओपीडी बंद रहने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन एम्स प्रशासन ने साफ किया है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान मरीजों को इलाज के संकट से नहीं जूझना होगा। एम्स प्रशासन ने कहा कि मरीजों को समय पर उपचार मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए ओबीडी और इमरजेंसी सेवा दोनों को जारी रखा जाएगा। एम्स के गेट नंबर 1 और 2 को सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया है। मरीज और एम्बुलेंस गेट नंबर 3 से संस्थान में प्रवेश कर सकते हैं। 7 अक्टूबर को भी यही व्यवस्था लागू रहेगी। गौरतलब है कि एम्स की ओपीडी में रोजाना करीबन 2500 से लेकर 3000 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में मरीजों की आवाजाही के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना सुरक्षा दलों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।